नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। सरकार चाहती है कि उसके मंत्री सादगी से रहें। मंदी का दौर है, सूखा पड़ा है, खर्चा घटाएं, महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की भावनाओं का ख्याल रखें। लेकिन सादगी मंत्रियों को डरा रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं, अपने शौक अपनी आदतों को तरह तरह से सही बता रहे हैं। यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। नेताओं की सादगी कितना सच कितना दिखावा। बहस में हिस्सेदारी के लिए MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। आप चाहें तो सीधे मुझसे सवाल कर सकते हैं। लॉग ऑन करें ndtvkhabar.com/mukabla पर। और मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से, पूछेंगे नेता सादगी से डरते क्यों हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान BJP के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, जानेंगे नेताओं की सादगी में कितना दिखावा। हमारे तीसरे खास मेहमान CPM नेता नीलोत्पल बसु, जानेंगे सादगी से नेता परेशान क्यों। साथ ही चलेंगे गोवा, जहां हमारे साथ हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मानद प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाथ देसाई, और हैदराबाद, वहां हैं जाने माने दलित बुद्धिजीवी कांचा इलैया। मुकाबला में कुल मिलाकर चार दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुरकाबला में बहस, नेताओं की सादगी कितना सच कितना दिखावा। मुकाबला की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला। राजीव, सीधा सवाल है। अगस्त के मध्य से अब तक खाने की चीजों की दाम 13% बढ़े हैं। सूखा पड़ा हुआ 60 लाख हेक्टेयर जमीन पर इस बार धान की बुआई हुई नहीं है। आप देखें, चीनी की बात, त्योहार आने वाले हैं, जगह जगह होर्डिंग हो रही है, आप लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कौन कितना लंबा है, कौन कितना मोटा है, किसको किस हवाई जहाज में किस सीट पर बैठना चाहिए। हो क्या रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि 25% के करीब जो है रेन शॉर्टफॉल है, बारिश कम हुई है, जो पिछले 2-3 दिन में रिकवर कर रही है और हालात हो सकता है कि कुछ सुधरे, लेकिन सूखा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इस पर तो बात नहीं हो रही कैबिनेट में? नहीं, बात हो रही है, लगातार कैबिनेट मीटिंग इस पर हो रही, चर्चा हो रही है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं। वो तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कैबिनेट की मीटिंग की खबर सही है झूठ है जो अखबारों में छपी उस पर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के अंदर सारी चर्चा गुप्त चर्चा होती है, वो बाहर क्या छपी है। मेरी खुद कई मंत्रियों से बात, प्रणब मुखर्जी ने कल खुद कहा कि करीब 6 मंत्रियों ने इस पर अलग अलग सवाल उठाए थे कैबिनेट की बैठक में। प्रणब मुखर्जी तो बैठक में थे, सवाल कैबिनेट की अलग अलग क्लैरिफिकेशन पूछना एक अलग चीज हुई, और विरोध दर्ज कराना ऑस्टेरिटी मेजर्स खिलाफ एक अलग चीज। इस पर बात हो रही है कैबिनेट में? नहीं, अगर कोई चीज मंत्रियों के लिए तो अगर वो पूछ सकते तो उसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हुआ वो बहुत कुछ गलत है ऐसा मुझे सुनने को मिला। दूसरी चीज, जब सूखा होता है तो ये निश्चित रूप से महंगाई होती है, तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि छापा डालें और सब्जियों वगैरह के दाम गिराने का काम राज्य सरकारों को, उनको सब राज्य सरकारों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति है। और कोई डर नहीं रहा सादगी से। वित्त मंत्री कलकत्ता जा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, आज जो है विलासराव देशमुख बॉम्बे गए हैं, वो भी इकोनॉमी क्लास से, सारे मंत्री जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई इससे डर रहा है या इसमें कहीं ना कहीं कोई गुरेज कर रहा है। पर देश देख रहा है, चिंता मत करो, कितने रो पिट के जा रहे हैं, कितनी शिकायत कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको स्कूल भेजा जाता है जिस रो पिट के वो स्कूल जाते जरूर हैं, पर जो रोना धोना होता है, आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? देखिए, मैं राजीव जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस सरकार की और कांग्रेस पार्टी की शोशेबाजी, इसको मैं इससे ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसने खुद इस सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट इसलिए कह रहा हूं मैं कि उन्होंने एक मजाक कहा, उनका कि साहब हम तो कार्गो में जाना पसंद करेंगे, यानी कि हम जो है वो मालगाड़ी में जाना पसंद करेंगे, कौन मंत्री इनका मालगाड़ी में जाने वाला है, तो कांग्रेस ने खुद रिजेक्ट कर दिया, एक चीज। दूसरी, मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ने 100 दिनों का ऐसा एजेंडा कोई बनाया है कि वो महंगाई तो रोक नहीं सकती, तो उसने कहा कि ऐसा है कि ठीक है पूरा देश गरीब हो रहा है, पूरा देश भुखमरी में जा रहा है, तो कम से कम थोड़े थोड़े तुम भी जो है अपने आप को दिखाने के लिए जो है गरीब दिखो। ये तो उसके बाद जो है, उसके बाद आतंकवाद हम रोक नहीं सकते, आतंकवाद हम रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि जरा मंत्रियों की सुरक्षा कम कर दो ताकि जनता सुरक्षित है तो तुम भी असुरक्षित दिखो, हमारी है या नहीं है हमारी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शोशेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। Chuba.com.